सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजेश बोध ग्राम कनौजा मुरादनगर जिला गाजियाबाद का निवासी हूँ और हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं। बाबा साहब की विचारधारा को समाज के लोगों में प्रसारित करते हैं, जिससे कि समाज बाबा साहब की विचारधारा को धारण करके अपना और अपने समाज का विकास करे, प्रगति करे, तभी बाबा साहब की विचारधारा का प्रसार होगा। और इसी से बाबा साहब, यही बाबा साहब चाहते थे कि मेरी विचारधारा को अपना कर लोग अपना विकास करें और मेरा नाम चलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। अवंते जी, बंते जी, क्या नाम है आपका? महारतन बंते। महारतन बंते। कौन सा गांव है ये? सैफपुर जगना। अच्छा, तो इसमें बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का कार्य करते हो? जी। भगवान बुद्ध की? जी। दम देश न देते हो? हाँ, देते हैं। कोई प्रोग्राम होता है बाबा साहब का? हाँ, कराया है। कराया है? अपने भी कराते हैं। अच्छा, और भी वैसे करा देते हैं प्रोग्राम कभी 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 कभी। बाहर से लोग आते हैं बोलने के लिए? बाहर वाली तो नहीं आती है कोई। बाहर वाले तो कोई नहीं आते। इनवाइट करें कोई लोग नहीं? बोला था एक बार उन्होंने, वो हैं रूप राम जी, नेता जी, बहुत हैं वो। अच्छा। हाँ, एक गांव है यहाँ पे वजीरगंज के पास, रामनगर जी है। है? हाँ। उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे रखते हैं। अच्छा। वो भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का प्रचार करते हैं, पार्टी का भी करते हैं। अच्छा जी। कौन सा संपर्क हुआ कभी? ये यहाँ कैसे बना है ये जो है? ये किसी, ये पार्क जो बना है। हाँ। ये किसी जमाने में, मतलब यहाँ पे अम्बेडकर पार्क नहीं था जी, ये बिल्कुल जंगल झाड़ियाँ थी जी। इसको मैंने काट कटवा के सब सम्मेलन करके इकट्ठा इन लोगों को चारा कटवाया जी। कटवाने के बाद बड़े बड़े ऊंचे गड्ढे थे, पटवाया जी, प्लेन जगह कर दी। फिर मैंने यहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा का धरना दे दी, मेरी अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाऊंगा जी। तब ये प्रतिमा सन 1992 में लगी जी। 1994 में इसका हुआ ये अनावरण। अच्छा जी। हाँ, पार्श्वनाथ मौर्य, महामंत्री पार्श्वनाथ मौर्य जी के द्वारा। अच्छा। इसमें बड़े बड़े लोग आए, राजबहादुर भी आए, वीर सिंह भी एडवोकेट आए जो मौजूदा हैं जी, और यहाँ के गोपाल राय और बहुत से लोग आए जो शाखा को गठित करते थे। तो गांव वाले आपकी सेवा करते हैं? हाँ, खूब करते हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। कोई आदमी बदतमीजी वगैरह कुछ भी नहीं बोलता? नहीं, कोई नहीं बोलता। ठीक है ना, तो धर्म का प्रचार करा करो। ठीक सर, बाबा साहब का। ठीक है नहीं। और ये जो